1 2 3 माइक टेस्टिंग। ऑल राइट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है संडे और एक छोटे से काम से बाहर निकला हूँ, और निकल ही गया तो सोचा चलो व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 2 वीक हो गया कि अपना व्लॉग गया नहीं है, तो छोटा सा व्लॉग शूट करेंगे और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। आज का डेस्टिनेशन तो ज़्यादा दूर नहीं, थाने में ही है। एक छोटा सा काम है इसके, जैसे कि आपको मैंने बोला एक छोटा सा काम है इसके लिए जा रहा हूँ, तो फिर मैं जा ही रहा हूँ तो शूट भी कर लूँगा। ओके, वैसे अभी बज रहे 2 और आज है संडे, तो फिर बाकी कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए कॉप्स का, होप सो। देखते हैं अभी क्या होगा। लॉकडाउन लगा है इसकी वजह से किधर घूमने को भी मिल नहीं रहा है यार। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि 15 दिन का लॉकडाउन था और उसको और एक्सटेंड करके और 15 दिन बढ़ा दिया, मतलब ऑलमोस्ट वन मंथ का लॉकडाउन लगा दिया गया है। जल्दी से सब लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो जाए यार, तो किधर लंबे राइड के लिए निकलेंगे। मेरे सारे दोस्त लोग बोल रहे चलो भाई राइड पर जाते, लेकिन एन टाइम पर लग गया लॉकडाउन। बोलो अभी क्या ही बोलूँ, जिस काम के लिए निकला हूँ उम्मीद करता हूँ काम फटाफट हो जाएगा, होना ही चाहिए यार। पिछले 1 हफ्ते से बाहर नहीं निकला होगा इस, बस सुबह उठो काम पे बैठो, दिन भर काम करो और सो जाओ, यही रूटीन हो गया है। ऐसे ऐसे लोग घुस जाते हैं बीच में। ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं रहेगी आज, फिर भी होप फॉर द बेस्ट। गाड़ी में पेट्रोल भी है तो पेट्रोल भराने का भी कुछ टेंशन नहीं है मेरे को, बस गाड़ी चलाने का है। जिस काम के लिए जा रहा हूँ मैं, उस काम को करते करते बीच में एक लोकेशन आएगा जिसका नाम है तो आज का लोकेशन है अपना गायमुख। यस, गायमुख। अभी जो काम करने में जा रहा हूँ, वो काम करने के बाद वहाँ से हार्डली 5 मिनट बाद गायमुख है, और काफ़ी अच्छा लेक व्यू है वहाँ पे और बहुत ब्यूटीफुल है। आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाएंगे, आपको भी थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएगा घर बैठे बैठे। अभी बजे दोपहर के 2 और इतनी धूप है भाई साहब, जब जब सिग्नल लग रहा है ना तब तब इतना फील हो रहा है ना घर में। क्या दे रहे भाई, क्या दे रहे, थैंक यू। इट्स अ बेस्ट थिंग, ऐसा है ना, सोशल वर्क करना चाहिए। किरण ये तेरे लिए है, एक कुछ ऐसा करना है तो ऐसा कर सकता है भाई। मेरा एक फ्रेंड है किरण, उसका भी यूट्यूब चैनल है। कल ही हमारी बात हो रही थी कि भाई मुझे सोशल, मतलब लोगों के लिए कुछ करना है, तो देख भाई तू तो ऐसा कर सकता है लोगों के लिए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये जगह पर रुकेंगे और इसको पिएंगे भाई, मज़ा आ जाएगा। तो इसको फिर सेट कर लिया प्यार से। अरे बाबा ले गर्म होते हैं, अरे बाबा ले गर्म होते हैं। ऐसा बाइक आना चाहिए जिसमें एसी हो, बहुत मज़े आ जाएंगे यार सीरियसली। घर से निकल के बस 10 मिनट हुआ है और मेरा गला अभी से सूखना चालू हो गया है, और बहुत सही टाइम पे सही चीज़ मिली है। मेरे तो स्प्राइट पीने का मन कर रहा है, अभी देखता हूँ कोई शॉप चालू रहेगा तो ख़रीद लूँगा। यहाँ पे अच्छा खासा छाव है और एकदम शांति भी लग रही है, यहाँ पे रुक जाते और पता नहीं क्या मिला है और टेस्ट करते हैं भाई। घर से निकल के हार्डली 15-20 मिनट हुए, लेकिन हालत देखो भाई साहब क्या हो गई। और ये क्या दिया गया है तो पी के देखते हैं अभी कैसा है, क्या रहेगा ये।
Jodhpur. एक स्मॉल छोटा सा ब्रेक ले लिया यहाँ पे, अभी निकल रहे. थोड़ा जल्दी निकला था घर से मैं कि ऐसे व्लॉग करते करते शूट करते करते निकलूँगा. ना लॉयन भी मस्त लग रहा है, परसों ही वॉश किया फिर भी गंदा हो गया है. ठीक है, चलता रहता है. ये मेट्रो का काम जोर और शोर से चलते हुए. काफ़ी मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाते हुए, भले गर्मी ही क्यों ना हो फिर भी. और ये 2 या 3 सालों में मेट्रो ने बहुत सही काम खींचा है यार. आने वाले 2 साल में शायद पूरा कंप्लीट भी हो जाए, यहाँ पे मेट्रो दौड़ना चालू भी कर दे. होप फॉर द बेस्ट. इसको ओवरटेक करना पड़ेगा यार, बहुत गर्म हवा छोड़ रहा है ट्रक. नहीं सचिन मत करो ओवरटेक. देखा मत कर, उसने देखा 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 देख रहे हो. ओ माय गॉड, हेवी ड्राइवर हो बेटा तुम, हेवी ड्राइवर हो. अब क्या गाड़ी निकाली है बंदे ने, इसलिए ट्रक वाला से उलझते नहीं, समझ रहे हो. लाइव एग्जांपल. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा टायर पंक्चर हो गया है, क्योंकि गाड़ी ऐसा एक जगह पर स्पीड हो गया था यार. पीछा वाला तो बराबर है. इसे बाय द वे जिधर मेरा काम है वो इधर ही है, यही प्लेस है. मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, काम निपटाऊँ या पहले जो लोकेशन आपको दिखाना है वो दिखा दूँ. क्या करूँ, ठीक है जो लोकेशन आपको दिखाना है वो लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में जो मेरा इधर काम है वो काम निपटा देंगे. ओके लेट्स गो. और ये शार्प टर्न, ओ माय गॉड भाई मजे है, मस्त लग रहा है. ये जो फीलिंग है ना यार, एकदम नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है. मिशन आ गया है. यहाँ से अपने को लेना है यू टर्न, और यही पे हो जो फेमस गायमुख लेक, जहाँ पे सचिन अटवाले लॉकडाउन के टाइम आया था. हाँ भाई जाहिर सी बात है भाई, ये सब इतिहास में लिखा जाएगा. जस्ट किडिंग. ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल. अंदर जाने मिलेगा क्या? आई थिंक सो. गाड़ी यहाँ पे ही पार्क कर देते हैं. और ये देखो व्यू, प्योर व्यू. हाँ कैसा, क्या मस्त लग रहा है यार. इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही इतनी गर्मी में भी, आहा स्वर्ग. एक नंबर. वहाँ पे बर्ड्स खेल रहे, कुछ बर्ड्स फिशिंग भी कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी नहीं है. और यहाँ पे जो कोई भी नहीं है ना, ये वाली फीलिंग ही बहुत स्पेशल बना देती है इस मोमेंट को. अपना लॉयन और ब्यूटीफुल व्यू, बस जिंदगी सेट है. थोड़ा सा अंदर भी जाना है मेरे को, देखता हूँ मौका मिलता है क्या. पीछे से चांस है जाने का, कोशिश करते. अगर जाने दिया तो ठीक है, नहीं जाने दिया तो भी ठीक है. अभी हम यहाँ से लेंगे एक शॉर्टकट. शॉर्टकट यानी
यहाँ से रॉन्ग साइड से जाएंगे हम लोग, और यहाँ से अंदर जाने के लिए एक जगह है, कोशिश करेंगे कि जाने मिलता है या नहीं मिलता है, पता नहीं। ओ भाई, जाने क्यों नहीं मिलेगा यार, क्यों नहीं जाने मिलेगा। ओ माय गॉड, और ये देखो भाई, बेस्ट प्लेस नियर मुंबई टू विजिट। थोड़ा कचरा इग्नोर कर दो, बाकी सब तो ब्यूटीफुल है ही। अपनी गाड़ी ब्यूटीफुल, एक नंबर, सुकून है भाई, वाइब है यहाँ की अलग ही। यहाँ के जो व्यूज है वो एंजॉय करता हूँ, तब तक यहाँ पे आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखो और एंजॉय करो। यहाँ पे थोड़ा सा कचरा है वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो मेन व्यू है लेक का, वहाँ से है, और वो बोट जो काम करने यहाँ पे आया, वो काम अभी चालू करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। व्यू भाई, उम्मीद है आपको जो टाइमलेस मैंने आपको दिखाया वो पसंद आए होंगे। स्काई एकदम क्लियर नहीं है, इसलिए